मेरे पीछे आप देख रहे हैं एटलांटिस, वन ऑफ द लग्जरियस एंड 7-स्टार होटल ऑफ दुबई। बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही जबरदस्त है। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज एवरीवन वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जाने वाले हैं एटलांटिस द पाम, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त अल्ट्रा लग्जरियस होटल है और यहाँ पर 7-स्टार होटल है। और मैं अपने 3 फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। एक है मुस्तफ़ा भाई, एक है मोहसिन भाई और एक है मेरे पीछे इस्माइल भाई। सो इन भाई का कॉन्वर्केशन है, इन्होंने MBA कंप्लीट किया है और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेजुएशन सेरेमनी होने वाली है और बहुत ही ग्रैंड होने वाला है। हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर भी हैं और हाँ जी, हाय से हाय। हाँ, सेफ्टी इज द प्रायोरिटी। दोबारा आपने एटलांटिस। सो टैक्सी से उतरने के बाद हम लोगों ने यहाँ से एंटर किया। यह एटलांटिस का फ्रंट पार्ट रेड कार्पेट बिछा हुआ है और उसके बाद जो फ्लोर फिनिशिंग है एकदम जबरदस्त है। और यहाँ से हम लोग स्ट्रीट जाने वाले हैं सीधा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो पूरा एक्वेरियम है और उसमें बहुत सारी फिशेज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सारी फिशेज उसमें अवेलेबल है। ये है बहुत बड़ा एक्वेरियम, मीन्स इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ की फिश देख सकते हैं। मीन्स अराउंड मोर देन 30,000 या 35,000 स्पीसीज यहाँ पर अवेलेबल है फिशेस की। और जैसे जैसे आप देखेंगे, ये देखिए, दिस इज़ ग्रैंड मैन, सुपर्ब। और जैसे ही आपकी नज़र हटेगी दूसरे टाइप की फिश सामने आएगी, और जैसे ही नज़र हटेगी दूसरे टाइप की फिश आएगी। कितनी मैक्सिमम वैरायटी की फिशेज है। और एक ये हमारे सामने से आ रही है, बहुत लंबी सी, अब इसे इलेक्ट्रिक रे कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, लेकिन क्या अंदाज से लहराते हुए जा रही है। तो अभी हम लोग आ गए हैं एटलांटिस के अंदर। एक्चुअली हम लोग रॉन्ग ब्लॉक में घुस गए थे, जो हम लोगों का कॉन्वर्केशन है वो दूसरे ब्लॉक में है। तो हम लोगों को यहाँ से सीधा स्ट्रेट जाना है। और जो आप नज़ारा देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एटलांटिस का मिनिएचर वर्जन, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारे तरीके से पूरा ओवरव्यू दिखाया गया है। और बहुत सही है, मतलब बहुत प्यारा सा मिनिएचर वर्जन है। मैंने इसमें कुछ फोटोज भी क्लिक किए और मेरे फ्रेंड्स ने भी किए। एट दिस इज द ग्रैंड सेंट्रल एरिया ऑफ एटलांटिस। एंड ये है हमारे पासिस, 250 दिरहम्स की एंट्री है। एंड ये पहुंच गए हम लोग एटलांटिस के बॉलरूम में और यहाँ पर पूरा नाइट में ग्रैंड डिनर होने वाला है, उसका पूरा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। और ये रही पूरी फुल अरेंजमेंट। अभी मैं हूँ एटलांटिस के एकदम फ्रंट साइड में, फ्रंट फेसिंग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त नज़ारा, जो कि ये पूरा एटलांटिस का ज़बरदस्त व्यू आता है, ये पूरा फ्रंट साइड का। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा ओपन टेरेस है और ये फ्रेंड्स साथ में पूरा ओपन टेरेस है और मेरे पीछे पूरा ज़बरदस्त रिजॉर्ट है, स्विमिंग पूल है। अब जैसे ही हमने पासेस देखा है उसके बाद अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं बॉलरूम में और अभी कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। सो भाई का भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और इसके बाद अभी हम लोग हैं रूफ टॉप पर, जहाँ से कि बहुत बेहतर नज़ारा है। और भाई को कार्ड भी मिल गया ब्रिलियंट एजुकेशन का। और इसके बाद अभी बॉल रूम में हम लोग जाने वाले हैं, जहाँ पर कि भाई को मिलने वाली है डिग्री। और कैसा लग रहा है आपको भाई? जबरदस्त, सुपर, मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ग्रैंड व्यू ऑफ एटलांटिस, सुपर, मतलब जितनी फोटोज खींचो उतनी ज़्यादा कम है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एटलांटिस, वन ऑफ द लग्जरियस एंड 7-स्टार होटल ऑफ दुबई। बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज हम लोग यहाँ पर इंटरनली आज अंदर पूरा कॉन्वर्केशन अटेंड करने वाले हैं और इसी के अंदर बहुत ही शानदार ज़बरदस्त व्यू। हम लोग हैं एक्चुअली, ये रूफ टॉप है, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा रिजॉर्ट है। और रिजॉर्ट में, मतलब अभी इवनिंग हो गया है तो थोड़ा सा क्राउड कम है, और रिजॉर्ट के साइड में टच है पूरा का पूरा होटल एकोमोडेशन, जो कि एटलांटिस का है। और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है, एकदम सुपर्ब,
और पैनोरामिक व्यू पूरा, और एकदम लास्ट पाम जुमेरा पूरे आर्टिफिशियल आइलैंड, और ये एकदम लास्ट में है, और इसके बाद पूरा का पूरा सी स्टार्ट है, मीन्स इसके आगे। और ये जो ग्रीनरी है ना एकदम मस्त लग रही है, मतलब शूट कर रही है। एंड प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और ये अराइव हो रहे हैं गेस्ट ब्रिलियंट एजुकेशन के, और बहुत ही दूर दूर से आए हैं। दुबई का ये ऐसा होटल है जहाँ पर कि इसे 7-star रेटिंग दी गई है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि इसमें 5-star ही रेटिंग देता है जो कि फोर्ब्स मैगजीन है। लेकिन क्या होता है कि जो यहाँ पर भुर्जल अरब है जो कि वर्ल्ड का सबसे लग्जरियस होटल में से एक है, और यहाँ पर जो एटलांटिस है, ये लोग ऐसा मानते हैं कि इन लोगों ने एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड की है, मतलब इनका जो रेशियो है ना वो 8-1 है सर्विस प्रोवाइडर्स का पर रूम का, तो इसीलिए इन लोगों ने 7-star रेटिंग दी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है दुबई में। और दुबई तो वैसे भी लग्जरियस के लिए बहुत माना जाता है, और इस होटल में लग्जरियस और टॉप ब्रांड लेवल सबसे ज़बरदस्त है। मतलब इसके अंदर जा कर के एक एक चीज़ का पता लगता है ना, कि एक एक चीज़ इसके अंदर इस तरीके से बनाई हुई है कि ऐसा लगता है यार दिस इज़ लग्जरियस। और मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है, रॉयल फील होता है, एरिस्टोक्रेटिक फील होता है अगर आप अंदर आएंगे तो। और बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी अभी इवनिंग हो गई है, 6 o'clock हो गए हैं, तो मेरे पीछे जो नज़ारा है वो वैसे भी ज़बरदस्त है, मूड बहुत ही अच्छा है। अंदर प्रोग्राम चल रहा है बॉलरूम के अंदर, ये अप्रॉक्सीमेटली 9:30 को एंड होगा, और 9:30 को एंड होने के बाद हमारा डिनर स्टार्ट होगा, और डिनर स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये पूरा टेरेस का इस साइड वाला एरिया है, मतलब उधर बहुत सारे लोग खींच रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आया ताकि जाकर के पूरा का पूरा व्यू आपको दिखा सकूँ। और इसके बाद यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है ताकि यहाँ से कोई नीचे ना जा सके। ये जो मेरे पीछे आप एटलांटिस का जो नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एकोमोडेशन है, मीन्स होटल एकोमोडेशन। और एटलांटिस में रहना इतना महंगा है, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली आपको 1700 to 2000 या 2500 दिरहम्स पर नाइट का पे करना पड़ेगा, जो कि इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 40,000 या 45,000 के करीब होता है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मीन्स अगर आपको रहना है तो फुल प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा, लेकिन हाँ लग्जरियस और कम्फर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। अभी हुआ है अराउंड 7:30 PM और नाइट के 9:30 PM डिनर होने वाला है, फुल अरेंजमेंट दिख रहा है, और यहाँ से बॉलरूम से निकल करके सारे गेस्ट यहाँ पर आकर के डिनर करेंगे, और फुल अरेंजमेंट प्रिपेयर्ड है टोटली। एंड यहाँ पर सभी लोगों को अपनी कॉन्वोकेशन की ड्रेस मिल गई, और सभी लोग अपनी डिग्री को लेने के लिए फुल टू एक्साइटेड हैं, और हॉल पूरा फुल हो चुका, और थोड़ी देर में डिग्री मिलने वाली है सभी को। ये जो सिंग कर रही है ये भी कोई फेमस यूट्यूबर एंड फेमस सिंगर हैं, तो आप लोगों में से किसी को इसका नाम मालूम है तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा। एंड दिस इज फाइनली वही नेशनल एंथम, और इसके बाद सभी लोगों को डिग्री अवार्ड होगी। एंड ये हमारे भाई को जो डिग्री मिल गई है उनके साथ एक प्यारी सी सुंदर सी क्लिक। सो एट द लास्ट भाई का कॉन्वर्सेशन हो गया एंड, और एट द लास्ट अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, और डिनर करने के बाद फुल टू एंजॉय किया, भाई ने बहुत मस्ती की और फुल एंजॉय किया, भाई को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद वो कहते हैं ना टोपी उड़ा दी, और एकदम ज़बरदस्त मज़ा आया। एट द लास्ट हम लोग डिनर कर रहे हैं रूफ टॉप पे, और उसके बाद फिर पीछे का जो व्यू है वो हमारा एटलांटिस होटल ही है, और वो रहा बाकी दोनों भाई। तो एट द लास्ट पूरा का पूरा ब्लॉग ज़बरदस्त रहा, जर्नी एकदम ज़बरदस्त रही, और पूरा का पूरा ब्लॉग देखने के बाद फिर आप इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अविनाश कुमार ब्लॉग्स।